Welcome to my channel Biological World. In this video we will discuss Muslim biologists. So let's start. Muslim biologists. Muslims have made important contribution in the field of biology in earlier ages. Ibtidai daur mein musalmanon ne biology ki field mein ahem kirdar ada kiya tha. Ab hamare paas pehle scientist hain Jabir bin Hayyan. जाबिर बिन हयान रॉट फॉलिंग बुक्स. जाबिर बिन हयान ने कुछ किताबें लिखीं. नंबर वन अल नबतात, नंबर टू अल हैवान. अल नबतात जो बुक्स है वो है प्लांट्स पर और अल हैवान एनिमल्स पर. नंबर टू अब्दुल मलिक असमाई. अब्दुल मलिक असमाई रिगार्डेड अ स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम. अब्दुल मलिक असमाई अपने वक्त के मारूफ कहलाए जाते थे. He wrote many books on the structure and function of body parts of different animals. इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी animals के structure और function और उनके body parts के function पर. Some of them are Al-Khil. This book was about horse. इस book में इन्होंने horse के बारे में बताया है. Al-Ibil. This book was about camel. Al-Wahush. This book was about wild animals. Khalaqul Insan. This book was about the human body. Next है अली बिन रब्बान तबरी. He was born in Tabristan. He was the scholar of psychology, philosophy, astronomy and zoology. अली बिन रब्बान तबरी तबरिस्तान में पैदा हुए. ये scholar थे psychology, philosophy, astronomy और zoology के. He wrote book which is, इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है फिरदौसुल हिकमा. This book was with illustrations and detailed articles on philosophy, astronomy, zoology and psychology. इस book में इन्होंने philosophy, astronomy, zoology और psychology के बारे में articles लिखे हैं, उनके बारे में बताया है. Next है अबू उस्मान उमर अल जाहिस. He described the life system of ants and write a book on. इन्होंने ants के life के बारे में बताया है, discuss किया है और इनकी book का नाम है अल हैवान which describe the characteristics of 350 species of animals specially about life of ants. इन्होंने इस book में 350 species of animals को describe किया है about specially about life of ants, ख़ास तौर पर ants की life के बारे में इन्होंने इस book में discuss किया है. अल फ़राबी. He was the renowned hakim of Islamic world. ये अपने वक्त इस्लामी दुनिया के जाने पहचाने हाकिम थे. He wrote two well known books. इन्होंने दो किताबें लिखीं, किताब नबतात और किताबुल हैवानात. अब्दुल कासिम अल ज़हरावी. He was regarded as the renowned surgeon of Islamic world. He was famous for the removal of stone from the urinary bladder. ये क्या हैं, अपने वक्त के सर्जन, बहुत जाने पहचाने सर्जन कहलाए जाते थे. ये फेमस इसलिए थे, इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन रिमूव करवाया था. ही रॉट अ बुक, इन्होंने किताब लिखी थी तशरीफ. इब्ने अल हैतम. इब्ने अल हैतम वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट विजन अकर्स व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड देन पासिस टू वंस आई. इब्ने अल हैतम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने विजन को एक्सप्लेन किया. उन्होंने बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और फिर वो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी इमेज, हमारी आई में आती है, फिर आई में रेटिना पर वो इमेज फॉर्म होती है. तो ये इन्होंने प्रोसेस बताया था फर्स्ट टाइम. ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट विजन अकर्स इन द ब्रेन. और ये, और इन्होंने पहली बार ये भी बताया था कि जो हमारी जो विजन होता है वो ब्रेन में बनता है. He wrote two well known books. इन्होंने दो किताबें लिखीं, मिज़ानुल हिकमा about medicines, किताबुल मनाज़िर about eye. ज़ियाउद्दीन इब्ने बैतर. He was highly respected among the botanists of his time. ये अपने वक्त में बहुत जाने पहचाने botanist थे, यानी कि इन्होंने ज़्यादातर पौधों, बहुत ज़्यादा species of plants को study किया था. He specialized in the study of plants. इन्होंने ये अपने जो ये प्लांट्स की स्टडी में बहुत स्पेशलाइज्ड थे.
ही डिस्कवर्ड मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स. इन्होंने प्लांट्स की बहुत सी स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था इन डिफरेंट कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में. यानी कि ये हर ममालिक में टूर करते थे, हर कंट्री में टूर करते थे, और वहाँ पे जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ प्लांट्स की इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. इब्ने अल नफीस, ही वॉज ऑल्सो नॉन एज द सेकेंड इब्ने सीना. इनको इब्ने सीना के नाम से भी जाना जाता है. ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी. इन्होंने पहली बार ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी में प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बताया था कि ब्लड में कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है बॉडी में. अली बिन ईसा, ही वॉज वेल नॉन आई स्पेशलिस्ट ऑफ इस टाइम. ये अपने वक्त के बहुत जाने पहचाने आई स्पेशलिस्ट थे. ही वर्कड ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ आई. इन्होंने आई की डिजीज फंक्शन और स्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, यानी कि उनकी बीमारियां आई की फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया और उस पर वर्क किया. ही डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीज इन हिज बुक्स. इन्होंने अपनी किताब में 130 आई की डिजीज यानी कि बीमारियों को डिस्क्राइब किया. ही ऑल्सो टोल्ड द क्योर ऑफ आई डिजीज. इन्होंने आई की जो डिजीज होती हैं उनका इलाज भी बताया था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.